सामने दोस्तों क्रिकेट फीवर है ऑन क्योंकि एशिया कप है जारी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे नौजवान क्रिकेट खेल रहे हैं। एक मैच हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान का जो कि बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ और एक मैच हो चुका है बांग्लादेश के साथ जो कि पाकिस्तान ने 7 विकेटों से जीता है। अब देखना यह है कि आइंदा होने वाले संडे को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें क्या होता है। लोगों से हम जानेंगे कि जो पिछला मैच विड्रॉ हुआ है जो नहीं हो सका है वो किसके हक में पैसा जा रहा था और जब होने वाला मैच है उसमें किसकी रहेगी परफॉर्मेंस हाई और किसकी रहेगी परफॉर्मेंस लो। तो आइए चलते हैं देखते हैं लोगों की क्या राय है इस बारे में। एशिया कप देखा आपने? जी बिल्कुल देखा। क्या कहेंगे अगर मैच पूरा हो जाता कौन जीता? पाकिस्तान जीतता। ये तो पाकिस्तान जीतता। क्या खा के क्या आए थे? शाहीन शाह अफरीदी नसीम शाह। क्या खाया था? जो कुछ भी खाया था बहुत अच्छा खाया वाला। अच्छा तुमने तो कुछ नहीं खिलाया था? नहीं नहीं हमने कुछ नहीं खिलाया। माशाल्लाह से बहुत अच्छे फॉर्म में खेलने सबके तब एक में कोई टीम अच्छी खेल रही है। टीम अच्छा खेल रही है। अच्छा ये इंडिया के एक प्लेयर है इरफान पठान। जी जी उनका कहना है कि अगर मैच पूरा होता तो पड़ोसी मुल्क के शीशे टीम टूट जाते। इसको उल्टा कर दें आप। उल्टा कर इस बात को उल्टा कर दें क्योंकि देखा तुमने लास्ट जो पाकिस्तान इंडिया का। हाँ क्या कहोगे? उम्मीदों में पानी फिर गया तुम्हें? पानी उम्मीदों में बारिश आ गई थी। उम्मीदों में तो बारिश हो गई। अच्छा और क्या कहोगे कौन जीतना था मैच? यार मैच तो तकरीबन जितना लग रहा था कि पाकिस्तान के हक में था। अच्छा जहाँ तक ये लड़े ना इतना इससे पहले तो इन्होंने फाइट नहीं किया। पहले की मैच जो प्रीवियस मैच बारिश की होती तो क्या होता फिर? आई थिंक पाकिस्तान जीत जाता शायद। और कौन रन करता? इंडिया का एक प्लेयर है इरफान पठान पुराना। उसने कहा है कि अगर बारिश ना होती तो पड़ोसी मुल्क के टीवी टूट जाते। क्या ये सच है? हाँ आई थिंक काफी हद तक सच है ये बात। पर अबे साले नसीम शाह शाहीन शाह भी क्या खा के आते पता नहीं रोज ही कुछ खा के आ रहे हैं। ये बॉय रोज ही कुछ खा के आ रहे हैं ऑल आउट कर रहे हैं। अगले मैच में इसको फेवरेट देख रहे हो? अगले मैच में पाकिस्तान बाबर को। बाबर को भी जो पिछला संडे का मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का वो देखा? देखा यार। तो सर क्या हाल हुआ? बारिश की नजर हो गई? बारिश का नजर हो तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर बारिश ना होती तो क्या हो जाता? अगर बारिश नहीं होता तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाता। वो पाकिस्तान जीतता? हाँ। मारता कैसे? बुरी तरह मारता? बुरी तरह मारता। बुरी तरह मारता। क्रिकेट देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। जोरों से कब चल रहा है? बिल्कुल। अच्छा कहाँ देखें पाकिस्तानी टीम को? क्या परफॉर्मेंस? पाकिस्तान इंशाल्लाह एशिया कप भी जीतने वाली है और इसके बाद वर्ल्ड कप भी जीतने वाली है। पाकिस्तान की टीम इंडिया की टीम पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं है। बिल्कुल जीरो हो गई है। जब से धोनी गया है बिल्कुल जीरो हो गई है टीम। पाकिस्तान बहुत ऊपर है और अभी इंडिया के जितने बड़े बड़े एनालिस्ट हैं सब जो यही बात कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान टीम के प्लेयर हैं इरफान पठान उनका कहना है कि अगर मैच ना होता तो पड़ोसी मुल्क के टीवी टूट जाते मतलब पाकिस्तान हार जाता। क्या कहोगे इस बार? नहीं पाकिस्तान इरफान पठान को चाहिए कि पाकिस्तान को सपोर्ट करे। अच्छा वो सपोर्ट करे वो इंडिया किसी काम की नहीं रही। अच्छा खत्म हो गई इंडिया। इंडिया को चाहिए पाकिस्तान से कुछ सीखे। पाकिस्तान का कोई बॉलर या बैट्समैन का कोच बनेगा तो रोहित शर्मा को सही जवाब मिलेगा। बात तो सही है। चेस कर लेता पाकिस्तान आराम से। कौन सा बैट्समैन है जो तुम कहते हो कि रिजवान अच्छा खेल रहा है आजकल बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहा है? अच्छा तो वो ही अकेले काफी थे। रिजवान ही अकेला काफी था। और बाबर आजम वो तो फिर पहले आके चले आते लेकिन रिजवान खेलता है आजकल। कोहली के साथ क्या हुआ है? कोहली के साथ बुरा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा मुड्डे हो गए हैं बोलो। कोहली तो ऐसा नहीं आउट होता यार हर चीज का टाइम होता ना। अच्छा हमारे पड़ोसी मुल्क में भाई ये कह रहा है कि अगर उस दिन क्रिकेट मैच हो जाता संडे को तो जो है हमारे टीवी टूट जाते। क्यों? असल में बैटिंग करता ना पाकिस्तान। कुछ भी पाकिस्तान बैटिंग करता जीतता वो। हाँ कंफर्म जीतना था यार पाकिस्तान। कौन? पाकिस्तान जीतता है यार हमारा। हम जीतते तो फिर मेरी बात क्यों कह रहे हैं? असल में वो आसमान पे पहुंच गया ना मसला ये तो टीवी इसने टूट रहा है। उड़ते ज्यादा है? बहुत ज्यादा उड़ते हैं इंडिया में। हवा बहुत है यार। कुछ भी नहीं है। हवा बहुत बहुत हवा है। पड़ोसी मुल्क
इंडिया के प्लेयर है इरफान पठान, उनका कहना है कि अगर मैच पूरा होता तो पड़ोसी मुल्क के टीवी टूट जाते, मतलब पाकिस्तान हार जाता। क्या कहोगे इस बारे? लंबी लंबी छोड़ते हैं बस वो लोग। अच्छा मैच नहीं हुआ तो बोल रहे हैं, वो मैच होता तो कुछ और बोलते हैं। ये बताओ एशिया कप चल रहा है, देख रहे हो एशिया कप? हाँ। कौन कौन से मैच, कितने मैच देखे? एक ही मैच देखा जिसमें टक्की भाई ने पनौती कर दी, उसके बाद देखने का दिल नहीं चाह रहा। यार इंडियन हमें तंकीद का निशाना कर रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क के टीवी जो है टूट जाते हैं, क्या मतलब इस बात का? इंडिया हमें ये क्या कर रहा है, आपने क्या बोला? तंज कर रहा है, तंज कर रहा था। तो वो तो हमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जब हुआ था जब भी हमने देख लिया था, उसके बाद अभी जो फर्स्ट मैच हुआ था हमारा, बारिश ने इनकी बचा लिया इनको, वरना इनका जो हाल होना था बाबर से तो वो नाकाबिले बर्दाश्त था। ये असल में आगे भाग रहे हैं तो ये गिरेंगे मुंह के बल, जब इनके पैर में रस्सी बल आएगा ना तो मुंह के बल गिरेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। और इंशाल्लाह संडे को देखा जाएगा, संडे को देखा जाएगा। अच्छा ये बताएं अभी पिछला मैच आपने देखा? जी बिल्कुल देखा पिछला मैच। क्या लगा वो देखते? बस देख के तो वो लगा फिर बारिश हो गई, एक पॉइंट मिल जाए मेट्रो। बारिश ना होती तो क्या होने वाला था? फिर क्या होता, इंडिया बस हार जाता, फिर इंडिया हार जाता। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं, वो तो चौड़े मार रहे हैं फुल कि भाई पाकिस्तानी हमारे जो है चौड़े में क्या, हमारे पड़ोसी मुल्क की जो है वो टीवी टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं भाई? ऐसा कोई सीन नहीं है, सारा इंडिया में होता है ये, बस